और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान संवाद में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और आज हमारे साथ है विद्याधर नगर की जनप्रतिनिधि मंजू शर्मा। तो मंजू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। हमेशा राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो यूथ को हमेशा फोकस करते हैं, उनके सारे काम यूथ को लेके ही होते हैं और उन्हें हमेशा यूथ को महत्व दिया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि राहुल गांधी को अगर पीएम मतलब प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो यूथ के लिए क्या क्या करेंगे? देखो प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ही यूथ के लिए सोचती है। जैसे आपने देखा कि वोट का अधिकार यूथ को किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने ही तो दिया ना। चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे शिक्षा का हो, इन सब बातों को बीजेपी केवल नाम बदलकर यूथ के लिए जो कार्यक्रम कर रही है वो असल में कांग्रेस की ही योजना है। और जैसे कि प्रधानमंत्री के रूप में सभी कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते ही देश का विकास और यूथ को हमेशा आगे ले जाएंगे। तो हमें एक बात बताइए मंजू जी, हमारी पूरी जो जनता है, पूरे देश को राहुल गांधी की कितनी ज़रूरत है और उनका जो ये विकल्प है प्रधानमंत्री के लिए, क्या ये बिल्कुल सही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको साथ लेके गई है, ये विचारधारा है, और इसी सोच के साथ राहुल गांधी जी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश में भाईचारा बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा और देश तरक्की के रास्ते जाएगा। तरक्की से बात आई कि हम लोग डिजिटली भी बहुत आगे बढ़े हैं। हम लोग डिजिटली हो या नगर निगम की सुविधाएं हो, जैसे आप हमेशा से काम करती आई हैं और खूब अच्छा काम कर रही है कांग्रेस। तो आज उनका जन्मदिन है, तो आज कोई ऐसी तैयारी की गई है, कुछ खास तैयारी उनके जन्मदिन के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी के जन्मदिन की खास तैयारी यही है, सभी कार्यकर्ताओं ने आज ये ठाना है 2018 और 2019 हम राहुल गांधी जी को गद्दी सौंपेंगे, ये ही आज सारी जोश के साथ सब कार्यकर्ताओं ने ठाना है। सबसे पहले तो धन्यवाद मंजू जी, आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमें बताया कि आज क्या क्या किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। तो और भी ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।